प्रिय विद्यार्थी, आशा है आप पाठ्यचर्या पर्यंत भाषा पाठ्यक्रम के विभिन्न वीडियो कार्यक्रमों का आनंद ले रहे होंगे और उससे अपने शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ करने में सहायता आपको मिल रही है। आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय का शीर्षक है भाषा अधिगम, एक शिक्षक की भूमिका। जरा सोचिए, क्या आप कोई भी विषय बिना भाषा के पढ़ा सकते हैं? क्या आप चिंतन करते समय किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते? क्या भाषा केवल अधिगम का एक माध्यम मात्र है? जब इन प्रश्नों पर आप चिंतन करेंगे तो निश्चित ही आप ये सोचने पर विवश होंगे कि आप किसी भी विषय के शिक्षक हों, बिना भाषा के आप अपने विषय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में यह कहा गया है कि भाषा कौशलों के पुंज के रूप में, चिंतन और अस्मिता के रूप में विद्यालय के सभी विषयों में उपस्थित है। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना सभी सामान्य कौशल हैं और उनमें बच्चों की दक्षता विद्यालय में उनकी सफलता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यह भी कहती है कि कई परिस्थितियों में इन सभी कौशलों के एक साथ प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विद्यालय स्तर पर भाषा का शिक्षण सभी की चिंता होनी चाहिए, ना कि मात्र भाषा शिक्षक का दायित्व। यदि आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को आगे देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि भाषा मात्र भाषा शिक्षण की कक्षाओं तक सीमित नहीं है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों की कक्षाएं भी भाषा की कक्षाएं हैं। किसी भी विषय के अधिगम में उस विषय की शब्दावली का अधिगम, संप्रत्ययों का बोध, तार्किक विमर्श करना और लिखना सभी कुछ तो आता है। क्या ये सब बिना भाषा के संभव है? क्या बच्चे इन विषयों को सीखने के साथ साथ भाषा नहीं सीखते? निश्चित तौर पर आपका उत्तर हाँ होगा, हाँ बच्चे भाषा सीखते हैं। किसी भी विषय के कक्षा शिक्षण में भाषा चार रूपों में या चार आधारों में प्रयुक्त होती है। पहला है अर्थ प्रदान करने पर केंद्रित। इसमें श्रवण और पठन के द्वारा उस विषय का जो अधिगम होता है उसमें विद्यार्थी को अर्थ प्रदान किया जाता है। वहीं विद्यार्थी से अर्थ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्यापक, चाहे वह गणित का अध्यापक है, विज्ञान का अध्यापक है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है या भाषा का अध्यापक है, वाचन और लेखन द्वारा अधिगम करता है। कुछ भाषा केंद्रित निष्पत्तियां जिसमें भाषा के लक्षणों को ध्यान में रखकर अधिगम कराया जाता है और कुछ उच्च कौशल जहां भाषा प्रवाह का विकास, फ्लुएंसी की बात होती है, भाषा में सभी मूल कौशलों का उपयोग करते हुए उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के विकास पर बल दिया जाता है। किसी भी विषय का शिक्षक भाषा विकास में कैसे सहायक हो सकता है, आइए इस पर बात करते हैं। विद्यार्थियों में सूचना को समझने, पहचानने, चयन करने और संश्लेषित करने की क्षमता और कौशलों का विकास करके किसी भी विषय का अध्यापक भाषा कौशल का विकास कर सकता है। आप उन्हें जो भी कार्य दें, कोई विषय वस्तु दें, कोई विषय सामग्री दें, तो उसमें जो छुपी सूचनाएं हैं उनको समझने के लिए उन्हें भाषा चाहिए, उसमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ पहचानने के लिए, उस सही शब्दों का चयन करने के लिए, उसमें लिखी गई बात का सही तरह से संश्लेषण और विश्लेषण करने के लिए उन्हें भाषा की आवश्यकता होती है। एक भाषा शिक्षक विषय की विशिष्ट शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करके भाषा कौशल का विकास कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप विज्ञान के अध्यापक हैं और कोशिका पढ़ा रहे हैं तो कोशिका, कोशिकांग, ऊतक ये सब विषय विशिष्ट शब्दावलियां हैं, लेकिन केवल विषय विशिष्ट शब्दावलियां बात को पूरी तरह से रखने में सहायक नहीं होती। इसके लिए उन्हें अपने विषय की शब्दावली, चाहे वो विज्ञान की शब्दावली है, गणित की शब्दावली है, इतिहास की है, साहित्य की है या अर्थशास्त्र की है, इसके साथ साथ अपनी शब्दावली को सही रूप देने के लिए, सही रूप से वाक्यों में प्रयोग करने के लिए उन्हें बहुत सारी सामान्य शब्दावली की आवश्यकता भी होती है। वह शब्दावली उन्हें भाषा से प्राप्त होती है।
एक विषय शिक्षक जो अमूर्त संपत्तियां हैं उनको समझने के लिए, विद्यार्थियों को विचार प्रकट करने के लिए और विद्यार्थियों के विचारों को एक आधार प्रदान करने के लिए, चाहे मौखिक रूप हो या लिखित रूप हो, भाषा का प्रयोग करता है। अतः विषय शिक्षक भाषा विकास में भी सहायक होता है। कोई भी विषय शिक्षक भाषा विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो पाते हैं कि विषय संबंधी शब्द या शब्द समूहों के निर्माण के विश्लेषण द्वारा भी भाषा विकास किया जा सकता है, जैसे प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण करना। उदाहरण के तौर पर रसायन से रासायनिक भी बनता है, रासायनिक अभिक्रियाएं भी बनती हैं, रसायनज्ञ शब्द भी बनता है। इसी तरह से जैसे अंग्रेजी में साइंस के लिए ओलॉजी शब्द प्रयोग होता है तो बायोलॉजी हो जाता है अगर उसके साथ बायो जोड़ दिया जाए। अगर जीवन के बारे में कोई विचार करना है और बायो के साथ ग्राफी जोड़ दिया जाए तो वह जीवनी हो जाती है, अर्थात बायोग्राफी हो जाती है। इसी तरह से ताप के लिए जब थर्मल शब्द का प्रयोग होता है और यदि वह ताप धरती से निकला है जिसको जियो कहते हैं तो शब्द जियो थर्मल हो जाता है। अर्थात कई बार विषय में विभिन्न शब्दों के संयोग से नए शब्दों का निर्माण होता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अपने विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां दें जहां इस प्रकार के शब्दों की भी पहचान करें और अपने विषय विशिष्ट की शब्दावली का भी निर्माण करें। एक विषय शिक्षक कई बार मूल पाठ या टेक्स्ट की जो विषय आधारित विशिष्ट संरचना है उसका संगठन है और पठन और लेखन में इसकी उपयोगिता है उसको स्पष्ट करके भी भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे कुछ विषयों में सूचनाओं को प्रदान करने के लिए कालानुक्रमिक अर्थात क्रोनोलॉजिकल या क्रमबद्ध सीक्वेंशियल रूप अपनाया जाता है। कुछ विषयों में कारण और प्रभाव पर बल दिया जाता है। कुछ विषयों में समस्या और समाधान के अर्थ में सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो कई बार विभिन्न विषयों में हम समानता और तुलना के रूप में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कई बार कुछ विषयों में वर्णनात्मक रूप से किसी भी विषय के वर्णन करने की आवश्यकता विद्यार्थियों को होती है। आइए देखें इनके कुछ उदाहरण। जब हम कालानुक्रमिक या क्रमबद्ध रूप से सूचनाओं को प्रदान करने की बात कहते हैं तो जैसे देश में बने कानूनों को हम हमेशा एक क्रम में पढ़ते हैं, पहले कौन सा कानून आया फिर कौन सा कानून आया। किसी कहानी में पात्रों के आने और घटनाओं का एक क्रम होता है। इतिहास में जब हम किसी भी राजा या उसके राज्य का वर्णन करते हैं तो कालानुक्रमिक वर्णन होता है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के चरणों का क्रम भी क्रमबद्ध होता है, इसीलिए ऐसे वर्णन में हम अक्सर प्रथम, द्वितीय, पहले, बाद में, अंततः, फिर, इसके पूर्व, इसके बाद, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कारण और प्रभाव भी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अक्सर प्रयोग होता है, खासतौर पर सूचनात्मक लेख या पाठ जिसे भूगोल में पढ़ते हैं कि विश्व के कुछ भागों में भूकंप अक्सर क्यों आते हैं। तो यहाँ कारण और प्रभाव संबंध है। भोजन रखे रहने पर क्यों खराब हो जाता है, विज्ञान का प्रश्न। दैनिक जीवन के विविध प्रसंगों में भी हम कारण और प्रभाव के रूप में चर्चा करते हैं। क्या इनमें किन्हीं विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है? यदि आप ऐसे वर्णन देखेंगे तो पाएंगे कि कारण और प्रभाव संबंधी वर्णनों में क्योंकि, चूंकि, यदि, तब, इस कारण, परिणाम स्वरूप जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जब समस्या समाधान संबंधी कोई पाठ या लेख हो जिसमें किसी समस्या के होने या उसके संभावित समाधानों की चर्चा की जाए, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि के कारण हो रही पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान, किसी महामारी के प्रकोप से निकलने और बचने के मार्गों पर चर्चा, किसी समस्या के संभावित समाधानों उपायों को सुझाना जहां प्रस्तावित है, निष्कर्ष रूप में एक समाधान या उपाय हो सकता है, इस कारण से, समस्या यह है, प्रश्न यह उठता है, ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग अक्सर इस तरह के वर्णनों में किया जाता है। ऐसे ही कुछ जगह जब समानता और तुलना को प्रस्तुत किया जाता है, पाठ्य पुस्तकों में अक्सर दो या अधिक स्थितियों, घटनाओं, प्रतिमानों, प्रक्रियाओं आदि में समानता या तुलना प्रस्तुत की जाती है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि में यह बहुधा दृष्टिगोचर होती है। प्रत्येक विषय में इनके लिखने, प्रस्तुत करने और मौखिक रूप से इसे बताने के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग तरीके मिलते हैं।
समानता और तुलना कई बार तालिका बनाकर, कई बार भिन्न भिन्न अनुच्छेद लिखकर, कई बार समानता या तुलना के कुछ आधारभूत बिंदु बनाकर उनके आधार पर समानता या तुलना करके प्रस्तुत की जाती है। परंतु ये कभी भी प्रस्तुत की जाए इसमें जबकि, यद्यपि, परंतु, मुख्यता, अधिकांशता, या तो, या फिर, साथ ही, समान रूप से, भिन्न अर्थ में, विरोध स्वरूप, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। किसी भी विषय में वर्णनात्मक लेख या पाठ का अपना एक अलग स्वरूप होता है। उसका वाक्य विन्यास, शब्दावली, विचारों का आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक घटना के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष भिन्न हो सकते हैं। यदि उस घटना के इस पक्षों पर आधारित विश्लेषणों को एक साथ विद्यार्थियों को दिया जाए तो वे आसानी से इनमें अंतर भी कर सकते हैं और इनके बारे में जान भी सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। यह उदाहरण एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से लिए गए। यह मनोविज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण है। यदि आप इसमें देखेंगे तो इसकी भाषा में अपसामान्यता, स्वीकृति, विसामान्यता, अप्रिया, कष्टप्रद, अप्रियात्मक, खतरनाक, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो मूलतः मनोविज्ञान में आते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के टेक्स्ट को, इस प्रकार के लेख को पढ़कर ये जान जाते हैं कि ये मनोविज्ञान संबंधी लेख है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण इतिहास से लेते हैं। यह उदाहरण भी एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यदि आप इस उदाहरण को देखें तो यहाँ देखिए ईस्वी, सन, संख्या, वर्ष, नदियाँ, राजधानी, प्रजातियाँ, जनजातियाँ, राज्य, किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया। क्या यह शब्दावली विज्ञान में मिल सकती है? संभवतः नहीं। आइए गणित से एक उदाहरण देखें। यह गणित विषय का एक उदाहरण है। प्रथम धनात्मक, विलोम, यदि तो, इसकी भाषा यदि आप देखेंगे तो इस भाषा में आपको पढ़कर ही लग जाएगा कि यह गणित विषय का कोई लेख है। इसी प्रकार से यदि आप अर्थशास्त्र का उदाहरण देखें, जैसे कि यह एक उदाहरण मैंने फिर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया है, यदि आप इसकी भाषा देखें तो उत्पादन फलन, उत्पादन निर्गत, आगत, फर्म, मात्रा, उत्पादन, श्रम का उपयोग, भूमि, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो ये स्पष्ट करता है कि अर्थशास्त्र की किसी पाठ्य पुस्तक का भाग है। आइए एक उदाहरण विज्ञान से देखें। इस उदाहरण में गतिक साम्यावस्था, अभिक्रियाएं, प्रकृति, समस्थानिक, रेडियोएक्टिव, प्रयोगशाला, मापन सिलेंडर, कांच नलियां, भिन्नता, किस प्रकार की भाषा और शब्दावली है। यह शब्दावली स्पष्ट करती है कि किसी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अंश है। तो कुल मिलाकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम पाठ्यचर्या पर्यंत भाषा की बात कर रहे हैं और विभिन्न विषयों के शिक्षकों के भाषा विकास में योगदान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि भाषा प्रत्येक विषय के अध्ययन का आधार है। प्रत्येक शिक्षक न केवल विषय वरन उस विषय की भाषा का शिक्षण भी करता है। प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट शब्दावली और भाषा होती है। सभी विद्यार्थियों को अपनी भाषा विकास का अवसर सभी शिक्षकों को देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने विद्यार्थियों की भाषा को समृद्ध करें और उन्हें अच्छा विद्यार्थी बनाएं। धन्यवाद।